देखिए बिल्कुल, लेकिन दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन फिलहाल मुश्किलों में लगातार घिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ वो जेल में बंद हैं तो उन पर आरोप ये लगे कि जेल में बैठकर वो मालिश वो करा रहे हैं, जेल में बैठकर वो ऐश कर रहे हैं, तमाम सुविधाओं का गलत दुरुपयोग करने में वो लगे हैं। लेकिन बीजेपी जो आरोप लगा रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने भी एक्शन अब ले लिया है, रिपोर्ट अब मांगी गई, उसकी जांच अब की जाएगी और जांच के आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर गृह मंत्रालय ने क्या एक्शन लिया और क्या कार्रवाई की जा रही है सत्येंद्र जैन पर। चारुल, बिल्कुल, जेल में ऐश पर एक्शन हो गया है सत्येंद्र जैन पर। ईडी की कड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है, लगातार जारी है। सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। देखिए बिल्कुल, केंद्र को जो है सत्येंद्र जैन से जो जुड़ी तमाम फाइलें, उन फाइलों को भी भेजा गया। उन फाइलों के आधार पर अब देखा जाएगा कि आखिर कहां पर गड़बड़ियां पाई जा रही हैं। बिल्कुल, आकलन के बाद दिए जा सकते हैं जांच के आदेश, क्योंकि ईडी ने सख्त कार्रवाई की है, सख्त लहजा ईडी का। देखिए बिल्कुल, देखिए केजरीवाल मसाज सेंटर जहां पर इस समय सहयोगी चारुल खड़ी है, वहां पर तस्वीरों को भी आप देखिए। इन तस्वीरों के आधार पर ही आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर कि जेल के अंदर बैठकर इस तरह के क्रियाकलापों में सत्येंद्र जैन लगे हैं। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को सौंप दिया कि आखिर जेल के अंदर कैसी गतिविधियां चल रही हैं। चारुल, बिल्कुल, और आपको याद होगा तेजिंदर पाल बग्गा ने भी ये ट्वीट किया था और केजरीवाल मसाज सेंटर तिहाड़ जेल के बाहर लिख दिया था। और इसी के बाद देखिए मुश्किलें जो थी वो बढ़ने लगी और सत्येंद्र जैन से जुड़ा डेटा जो है गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, लगातार इस खबर पर कवरेज भी हमारी जारी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी जब घेर रही है तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि गुजरात चुनाव सामने है, बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए इस तरह के काम करने में लगी है। सहयोगी भी हमारे लाइव जुड़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सत्येंद्र जैन से जो जुड़ा डाटा है गृह मंत्रालय को फिलहाल भेज दिया गया। चारुल,